हर दुल्हन की चाहत होती है कि धूम धड़ाके से उसकी शादी हो, और जब शादी के बाद वो पहली बार अपने ससुराल पहुंचे तो वहां उसका शानदार स्वागत हो। लेकिन बिहार में आई बाढ़ दुल्हनों के इस अरमान पर पानी फेर रहा है। भागलपुर के सबौर प्रखंड से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां शादी के बाद दुल्हन अपने घर से तो गाड़ी में विदा होती है, लेकिन ससुराल पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही उसे गाड़ी को छोड़कर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल जिले में आई बाढ़ की वजह से गांव के गांव पानी पानी हो चुके हैं। हर ओर तबाही का मंजर है, घरों में भी पानी घुस गया है। कुछ लोग पलायन कर गए हैं तो कुछ ने घर की छतों को ही आशियाना बना रखा है। परका गांव में भी बाढ़ आया हुआ है। गांव के रवि कुमार की शादी कुर्सेला गांव में तय है। किसी तरह नाव में सवार होकर दुल्हा रवि शादी के लिए पहुँचता है, और शादी के बाद वो अपनी दुल्हनिया यानी कि प्रियंका को लेकर वापस अपने गांव पहुंचता है। लेकिन गांव में पानी की वजह से घर तक गाड़ी नहीं जा सकती है, इसलिए गांव के बाहर ही दूल्हा दुल्हन गाड़ी से उतरकर कुछ दूर पैदल ही चलते हैं। आगे नाव का इंतजाम है। दूल्हा दुल्हन पानी से होते हुए नाव पर सवार होते हैं और फिर वो अपने घर पर पहुँचते हैं। लेकिन घर पर भी पानी है, घर का निचला तल्ला डूब चुका है, इसलिए नाव से दुल्हन सीधे घर की छत पर उतरती है। उसके बाद मंगल गान के बीच दुल्हन का स्वागत होता है। दुल्हन प्रियंका ने पहली बार ये नजारा देखा है, इसलिए उसके चेहरे पर भय दिख रहा है। बता दें कि बिहार में आई बाढ़ की वजह से यह तस्वीर सामान्य है, क्योंकि बाढ़ के पानी में फिलहाल तो जिंदगी बचाने की ही जंग है। लड़की के नवे पर से उतारी सीधे छत पर।